guys, hope you all are doing great and find me too. So welcome back to my new video. तो मेरी अभी अभी हुई गुड मॉर्निंग. तो सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह आप लोग पानी पिए, गुड फॉर योर हेल्थ. तो हम पीते हैं पानी. यार एक्चुअली मैं वो इंसान हूँ जो सुबह उठ के फ़ौरन नाश्ता नहीं करती, तो थोड़ी देर बात करती है तो फिर चलो हम मिलते हैं अब नाश्ते पे. नाश्ते में मैं खा रही थी पाकर खानी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं जो है ना पराठे ही खा रही थी, अंडा पराठा या पराठा इस तरह. तो मैंने बोला आज कुछ जो है ना वो हल्का फुल्का खाया जाए वरना मोटी हो जाऊँगी. नाश्ते वगैरह के बाद मम्मा का ऑर्डर आ गया कि खाना बनाओ, और खाने में बनानी है आज सब्ज़ी. तो मैं बना रही थी गोभी और आलू, क्योंकि आपकी बहन सब घर है और उसमें सब काम आते हैं. खाना तो खैर बन रहा है अब ना. असल में ऐसा था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2024 में जो है ना अपने नेल्स काटूंगी. और यार वैसे भी ना बड़े नेल्स इतना अच्छी बात नहीं होती है. तो फाइनली मैंने जो है ना आज डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए मैं नेल्स अपने कट करने हैं. अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही शॉर्ट कर दूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है, बट ये है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लेंथ रखूँगी. तो अभी मैं वो नेल्स कट करने लगी हूँ. तो अभी मेरे नेल्स कुछ ऐसे हैं. और ये अगर आप लोगों को गंदे गंदे लग रहे हैं तो जस्ट बिकॉज एक तो मैंने ना वो एक चीज़ है उस पर गोल्डन स्प्रे किया था, तो मैं ग्लव्स व्लव्स पहन के नहीं करती. और दूसरे मैंने नेल पेंट लगाई थी जो कि अभी साइडों पर रह गई है. सो ये रहा मेरा नेल कटर, और मैं अपने नेल्स शॉर्ट करती हूँ. ये हो गए हैं मेरे नेल्स शॉर्ट, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं. और मुझे ना फिर याद आ गया था कि मेरे पेपर्स भी करीब हैं, तो कुछ ना पढ़ाई भी की जाए. तो अब मैं जो है ना अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने बैठ गई थी, बिकॉज कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना. और इन्हें शाम के टाइम इतना प्यारा कॉटन कैंडी स्काई हुआ था, बहुत प्यारा हो रहा था. और मुझे वैसे आसमान बहुत अच्छा लगता है. और अभी यार असल में ना हम जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी. क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, लाइक हमारे लिए तो ज़्यादा ही है, क्योंकि हमें इतनी सर्दी की आदत नहीं है. और मतलब इसका मतलब हमारे लिए पहली सर्दी है, तो ये ना बहुत ज़्यादा ही मतलब सर्दी है, बर्दाश्त के काबिल वाली नई सर्दी. अगर बाहर भी जाओ तो फौरन सर में दर्द हो जाता है, ये वाला सीन है. तो तभी हम जा रहे थे हॉस्पिटल. लाओ कहीं से भी चल, टू मच सर्दी. क्या कुछ नहीं हो रहा, सर्दी में सर्दी का मज़ा नहीं है तो फ़ायदा ही है. और यह बहुत प्यारा और खूबसूरत सा हॉस्पिटल, जो कि सच में बहुत अच्छा है. और यहाँ पे डॉक्टर्स भी 24/7 होते हैं, तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है. बना हुआ भी अच्छा है. मम्मा को जो है ना वो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी, और बोला था कि अगर आपको नहीं आराम आया तो आप कल वापस आ जाइएगा. ओके सो गाइस, अभी जो है ना मम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है,
तो सर्दियां हैं, आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गर्म गर्म कपड़े पहनें और ज़्यादा ठंड में बाहर ना जाएं, ख्याल रखें अपना, गर्म गर्म चीज़ें खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। ना मेरी मम्मा बोलती हैं, एक तो मैं हर बात पर बोलती हूँ मेरी मम्मा बोलती हूँ, हाँ मेरी मम्मा बोलती हैं कि आपको ना अपना ख्याल ख़ुद रखना चाहिए, आपको अपने लिए अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ठीक हो ना तो आप सबको अच्छे लग रहे हो, जब आप बिस्तर पर पड़ जाते हो तो फिर आप किसी को नहीं अच्छे लगते हो। मतलब एक टाइम तक वो सब आपकी खिदमत करते हैं, फिर एक टाइम तक ऑब्वियस बात है सब थक जाते हैं। यार मुझे अपनी एक ना पुरानी वीडियो मिल गई, तो देखें आप कि हम लोग पैकिंग वगैरह में ही लगे हुए थे और अर्जेंटली मम्मा बाबा को जाना पड़ा कराची, तो हम सिर्फ बहनें थी घर पे। अब ना मैं मैं जो है ना अपने सॉक्स धो रही थी वॉशिंग एरिया में और मैं भूल गई, मैं वहाँ पे ना नलका खुला छोड़ आई, मेरे मज़े से आके मूवी लगा के बैठ गई, अचानक से देख रही हूँ आई वॉज लाइक कि ना अलिशबा ये पानी कहाँ से आ रहा है, और जब देखा पूरा वॉशिंग एरिया, बेल्कनी, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, किचन, मम्मा का रूम सब पानी से भर गया और बस पानी हमारे रूम तक आ ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ गई, और उसके बाद जो हमें 2-2.5 घंटे लगे हैं ना उस पानी को सुखाने में, मैं तो इतना डर गई थी, क्योंकि उसी टाइम मम्मा की कॉल आई कि हम लोग आ जाएंगे वापस शाम तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, और मैंने बोला ये तो बैड सीन हो गया, बीच में हम सफाई कर रहे थे, मम्मा की कॉल आ गई, मैंने बोला कहीं मम्मा निकल तो नहीं गई, बट नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब बिल्कुल ड्राई कर दिया, कालीनें गीली हो गई थी वो हमने डाल दी हैं सूखने के लिए, कि चलो मम्मा आ भी गई तो हम उनको बता देंगे, अब तो हमने पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया ना। अब मैं गाइस ये देखिए क्या हुआ है, मैं इतने ना वॉशिंग एरिया में सॉक्स धोए और नलका खुला छोड़ दिया और ये पूरा घर पानी पानी समंदर बन गया है, और मुझे इतनी टेंशन हो गई, ये तो मेरी 2 बहनें हैं, मम्मा पापा घर पे नहीं है और मम्मा के कमरे में भी सारा पानी आ गया है, हमारे कमरों में पानी नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, और ये सारा पानी अभी निकालना है, आई डोंट नो कैसे निकलेगा, लिटरली मेरी वजह से हुआ है, पूरा घर ना पानी पानी हो गया। OMG, मैं पूरा ये घर साफ कर दूँ, मेरे सारा पानी पानी हो गया है, ये मेरी माशाल्लाह काम वाली बहनें काम करनी है, ये इसकी वजह से ही हुआ है, ये ब्लॉगिंग में मस्त है, मैं कह रही हूँ जरा काम कर लो, बड़ी होके IAS बनो, झाड़ू हो जा करो, माफिया बनो, और ना अब ये पानी पता नहीं कैसे कम तो हो गया है पर पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, टेंशन है टेंशन, बहुत हद तक ना ये सूख गया, किचन भी पूरा भर गया था, और ये चेक करें, ये जब आप कारनामा करते हैं ना फिर आपको ऐसे मल्टी टैलेंटेड हो जाना पड़ता है, मैं 2 कपड़ों से पोछा लगा रही हूँ, और मेरी सिस्टर जो है ना वो वाइपर वगैरह लगा रही हैं, और मेरी अम्मा की कॉल आई है कि वो ना अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, तो आई होप सो कि उनके आने से पहले सब कुछ हो जाए, फिर भले उनको बाद में पता चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है ना वो साफ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, मुझे ज़्यादा ना ड्राइंग हो, ओके सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, ये मेरी चप्पल देखें, कोई भी पानी शानी नहीं है, ये मम्मा का रूम की ना थोड़ा सा कालीन गीला रह गया है, ये ड्राई हो जाए, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है, सो फाइनली वी डिड इट, हमने कर लिया, खुशी भी हो रही है, बट ये कि यू नो एडवेंचर था एक हमारे लिए, अच्छा हुआ, सुकून का सांस लिया है, चाय लेके बैठे हैं साथ में जो है ना टीवी देख रहे हैं, और शुक्र 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 के मम्मा अब तक नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब और आई होप सो कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय।